मोबाइल मार्केट की बादशाह रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती पैदा होने वाली है। टेलीकॉम मार्केट पर काबिज इस तिकड़ी को कड़ी टक्कर देने के लिए अब सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने कमर कस ली है। दरअसल सरकार ने तगड़े घाटे में चल रही बीएसएनएल पर बड़ा दांव चलने का मन बना लिया है। रणनीतिक तौर पर अहमियत को देखते हुए पब्लिक सेक्टर की कंपनी बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने का सरकार का प्लान है। इसी कड़ी में बड़ी खबर ये है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बीएसएनएल के लिए 89,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। बुधवार को एक प्रेस रिलीज में इस फैसले की जानकारी दी गई। इस पैकेज का इस्तेमाल बीएसएनएल के 4G और 5G सर्विसेज की लॉन्चिंग के लिए किया जाएगा। जाहिर है 4G और 5G के मैदान में बीएसएनएल के चुनौती पेश करने से जियो और एयरटेल की पूरी बादशाहत हिल सकती है। इसकी वजह यह है कि सरकार ने अब बीएसएनएल के पीछे मजबूती से खड़े होने का फैसला कर लिया है। बीएसएनएल का नेटवर्क पूरे देश में है और ऐसे में उसके लिए इस मार्केट में निजी कंपनियों को चुनौती देने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस कड़ी में एक अहम खबर ये भी है कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर में दूसरी सरकारी कंपनी MTNL को बंद कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा MTNL का पूरा कामकाज BSNL में ट्रांसफर करने का है। पहले सरकार का इरादा इन दोनों कंपनियों को मर्ज करने का था। MTNL के लगातार बढ़ते लॉस और इस पर कर्ज के ऊंचे बोझ के चलते सरकार ये फैसला लेने का मन बना रही है। MTNL को बंद किया जाएगा और चूंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है, ऐसे में सरकार इसके शेयरों को भी डीलिस्ट कराने पर विचार कर रही है। BSNL लिस्टेड कंपनी नहीं है और सरकार का इसे लिस्ट कराने का इरादा भी नहीं है। MTNL को 2022-23 में 2,910 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। इससे एक साल पहले कंपनी का लॉस 2,602 करोड़ रुपए था। इसके उलट बीते कुछ वर्षों में BSNL की वित्तीय हालत सुधरी है। 2021 में सरकार ने BSNL को 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। मिंट की एक खबर में एक सरकारी अफसर के हवाले से कहा गया कि BSNL ने 7,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन वक्त से पहले चुकाए हैं और कंपनी का इरादा अगले साल से 5G सर्विसेज को भी शुरू करने का है। 2021-22 में BSNL का रेवेन्यू 19,052 करोड़ रुपए था, जो कि 2022-23 में बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनी का लॉस इसी अवधि में 6,981 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,161 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सरकार भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL का भी BSNL में मर्जर कर चुकी है। इस मर्जर के साथ BSNL की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स 5.67 लाख किलोमीटर तक की हो गई हैं। इनके जरिए 1.85 लाख गाँव पंचायतें भी कवर की जा चुकी हैं। BSNL सरकारी कंपनी ITI को 3,889 करोड़ रुपए का परचेज ऑर्डर भी दे चुकी है। इसके जरिए 4G नेटवर्क लगाया जाएगा। BSNL को 89,000 करोड़ रुपए का सरकारी पैकेज मिलने की खबर का असर MTNL के शेयरों पर भी दिखाई देगा। MTNL के शेयर में बुधवार को जबरदस्त तेजी आई। कारोबार के दौरान MTNL के शेयर 13% चढ़कर 22.80 रुपए के लेवल पर पहुंच गए थे। कारोबार बंद होने पर MTNL के शेयर 10.53% की तेजी के साथ 22.05 रुपए पर बंद हुए। कुल मिलाकर सरकार के BSNL को फिर से रिवाइव करने के लिए 89,000 करोड़ रुपए का पैकेज बेहद अहम साबित हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस पैकेज के मिलने के बाद BSNL इस मार्केट के दिग्गज रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को चुनौती दे पाएगी या नहीं।